मैं रमेश मचेड़ा वार्ड नंबर 37 से निगम पार्षद। दोस्तों आज बात करते हैं एक वीडियो की जो आजकल बहुत चर्चा में है। ये वीडियो आज मैंने भी देखी। ये वीडियो जो आजकल बहुत चर्चा में है ये हमारे पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा जी की है। हाँ साथियों, परवेश साहिब सिंह वर्मा। दोस्तों दो बार नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको इनका नाम याद हो ना हो। वैसे आज तक इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप इनको याद रखेंगे। उनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। परवेश वर्मा जी अपनी मर्यादा तोड़कर अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी बीमारी का जिस तरह से मजाक बना रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं है जी। दिल्ली की जनता ने इनको काम करने के लिए 2014 में चुना था, तब से तो दिखे नहीं। पता नहीं किस देश किस विदेश के किस कोने में पड़े हुए थे। सीलिंग के मुद्दे पर जनता परेशान रही तब परवेश वर्मा जी और दिल्ली के सांसद पता नहीं कहाँ गायब रहे। 2014 में दिल्ली की जनता ने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर भाजपा को वोट दिया था। 4 साल हो गए जी परवेश वर्मा जी और इनके सांसद पता नहीं कहाँ गायब थे, कहाँ इनको साफ सुन गया, पता नहीं कौन से बिल में घुसे हुए थे। दिल्ली की जनता को ठगने वाले ये भाजपाई आज दिल्ली की जनता का जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, जिन्होंने इनको संसद में भेजा है वही जनता इनको जमीन पर भी ले आएगी जी। क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता चाहे तो अर्श पर और जनता चाहे तो फर्श पर। वो कहते हैं ना जी, जिस प्रकार एक नालायक औलाद अपने बाप का नाम खराब करती है वही काम परवेश वर्मा जी कर रहे हैं। इस बार जब वोट मांगने दिल्ली की जनता के पास जाएंगे ना, जब जनता इनको जवाब देगी, इनको सबक सिखाएगी। एक बात और, घर में बचपन से आदर सत्कार करना सिखाया जाता है जी। कोई बीमार हो उसके ठीक होने की प्रार्थना भगवान से भी की जाती है। कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो उसके लिए ऐसे शब्द जो इन साहब ने बोले हैं ना, दिल्ली के लोग इनके कहे हुए शब्दों को इनको माफ नहीं करेगी। क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए गलत बोला है। वो दिल्ली का चुना हुआ प्रतिनिधि, चुना हुआ मुख्यमंत्री है और आप उनके लिए गलत बोल रहे हो। परवेश वर्मा जी, हमें पता है आपको डर लग रहा है क्योंकि आपको ही पता है कि 4 साल में जो आपका रवैया रहा उस हिसाब से इस बार आपकी दाल निकलने वाली। और सुनने में तो आया है कि इस बार आपकी खुद की पार्टी आपको टिकट भी नहीं दे रही है। आपके कर्मों को देखकर तो परवेश जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी के नाम को लेकर उन्हें अपशब्द कहकर ये जो पब्लिसिटी स्टंट जो आप कर रहे हो ना, ये मत करो। ये सस्ती जो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो ये छोड़ दो। कुछ काम किया होता ना तो स्टंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वर्मा जी, आपको बस यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द ना कहें।